नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। नजर डालते हैं बिहार की कुछ खास खबरों पर। कोरोना काल में पटाखों के चलते प्रदूषण जानलेवा बन गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स भागलपुर में ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन दीपावली बाद यहां पर भी प्रदूषण बढ़ गया है। शहरी आबादी में चौक चौराहे पर कई जगहों पर पटाखे जलाए गए। कोरोना के बाद प्रदूषण बढ़ने से हवा में ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। देखिए, पॉल्यूशन का असर इंसान के सांस की जो पद्धति होती है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उस पर बहुत असर पड़ता है। वैसे मरीज़ जो पहले से क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज़ के पेशेंट हैं, उनको आस्थमा है या उनको कोई हार्ट की बीमारी है, उनको ब्लड प्रेशर है, उनको डायबिटीज़ है, ये सारी चीज़ें पॉल्यूशन के कारण बढ़ती हैं और ये सारी चीज़ें कोरोना के लिए एक रिस्क फैक्टर है। वैसे मरीज़ जिनको कोरोना के लक्षण हैं और उनको पहले से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोई हार्ट की बीमारी या ब्रेन की बीमारी है, जो कि पॉल्यूशन के कारण बढ़ जाती हैं, तो मॉर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मधेपुरा के दीपावली महापर्व के साथ यहां के लोगों ने वीर शहीद कैप्टन आशुतोष को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि शहीद कैप्टन आशुतोष कश्मीर के पुवाड़ा में पाकिस्तानी आतंकियों से लोहा लेने वक्त दो आतंकियों को ढेर करते हुए शहीद हो गए थे। युवा कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर शहीद को शहादत देते हुए एक नारा भी दिया। युवा कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऐसे माता पिता पर हम लोगों को गर्व है जिन्होंने इकलौता वीर को भारत माता की रक्षा करने के लिए भेज दिया। हम लोग आज बहुत ही दुखद की बात है कि देश की रक्षा करते करते हमारे अनुज और बहुत ही संघर्षशील युवा कैप्टन आशुतोष देश की सेवा के लिए शहीद हो चुके हैं। उनको हम लोग आज उनके स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हुए हैं। भागलपुर में विक्रमशिला पथ के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर बस से टकराई। इस हादसे में बस में सवार दो व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। डॉक्टरों की माने तो करीब चार लोगों की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर घटना से नाराज होकर आक्रोशित स्थानीय लोगों ने विक्रमशिला पथ पर आगजनी करना शुरू कर दिया है। उधर से बस नीचे से आ रही थी, बस ट्रक की तरफ पूरा ट्रक बचाने के चक्कर में इधर मुड़ा, धक्का मारते हुए नीचे दो तीन आदमी फंस गए और गाड़ी का भी चार पांच आदमी इंजर्ड है जिसको हॉस्पिटल ले जाया। लगभग कितने आदमी की डेथ हो गई होगी? ये सब नीचे में अभी दिखेगा लगता है। अच्छा, वहाँ शेखपुरा के सदर थाना क्षेत्र में अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। शव को देखने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने शव की शिनाख्त करवाते हुए पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इसी के साथ पुलिस ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं।